नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनूवाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनूवाला में। तो जो भी आज की डिश है वो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। कुकिंग विद रेनूवाला चैनल के साथ साथ मैंने एक नया चैनल भी शुरू किया है, रेनूवाला ब्लॉग्स, जिसका उद्देश्य मेरा यह है कि जो हमारे रीति रिवाज परंपराएं खत्म होती जाती है उनको बढ़ावा देना, सही दिशा देना। तो बहुत से लोग, जैसे अब कृष्ण जन्माष्टमी थी, पता नहीं था कि उनकी पूजा कैसे करनी है, कृष्ण छठी थी उनकी पूजा कैसे करनी है, भोग कैसा लगना है, तो सभी वीडियोस बना बना कर मैं उस पे अपने चैनल पे उस ब्लॉग्स वाले में पब्लिश कर रही हूँ। या रक्षाबंधन के त्यौहार पर रक्षाबंधन बांधने से पहले क्या रीति रिवाज होता है, इस प्रकार के ब्लॉग्स मैं बना रही हूँ। तो जनरल ब्लॉग्स भी डाले जाएंगे, उस सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नए चैनल का ब्लॉग्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रेसिपी के नीचे दे दूंगी। और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर भी रहता है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की रेसिपी बनाने में तो आप उस पर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर आरी दुग्धा के बारे में पूछताछ करते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो अब हम करेंगे अपनी रेसिपी शुरू। जो आज हम बनाएंगे इडली, वो इतनी टेस्टी होगी, इतनी झटपट तैयार होगी और होगी इडली, और आपको स्वाद कैसा आएगा, पाव भाजी खाने का। पाव भाजी के लिए ज़्यादा तामझाम करना पड़ता है, तो इसके लिए नो तामझाम और टेस्ट इज सो वंडरफुल। तो ये मैंने करने की कोशिश की है। तो ये मैंने एक कप लिया है सूजी, जिसे रवा भी कहते हैं, और ये लिया है मैंने ताज़ा दही। ये मेरे पास है मक्खन, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, और ये मेरे पास है नमक और पाव भाजी मसाला, तीन कलर की शिमला मिर्च, तो ग्रीस करने के लिए ऑयल, और ये मेरे पास है इनो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने सूजी ली है उससे पहले भी मैं थोड़ी शिमला मिर्च काट लूँ। कुछ तो हम डालेंगे इडलियों में और कुछ अपना जो हम पाव भाजी मसाला तैयार करेंगे उसमें डालेंगे, ताकि हम इडलियों में आए पाव भाजी का स्वाद। और झटपट जब भी बच्चे मांगे कि हमें पाव भाजी खानी है, तो आप झट से 10 मिनट में इसे रेडी करके तैयार कर दें। तो ये मैंने थोड़ी सी बीज डालने के लिए बारीक बारीक शिमला मिर्च इसमें हम काट लेंगे तीनों प्रकार की, और कुछ डालेंगे हम अपने मसाले में। कप सूजी, तो इसमें मैं मिलाऊंगी 2 सर्विंग स्पून दही। तो दही का कोई ज़्यादा नहीं, अगर आपकी फ्रेश है तो आप थोड़ी ज़्यादा भी मिला सकते हैं, इससे तो सॉफ्ट ही बनेगी। मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी है कि हमारी जो इडली है वो सॉफ्ट बने, अच्छी बने। तो अब हम अपने मटेरियल के मुताबिक और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालेंगे नमक। मेरे पास 1/2 टीस्पून जो नमक है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी। फिर आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं, नमक जब हमारा जो घोल तैयार हो जाता है, हम थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका इडलियों का जैसा घोल होता है बिल्कुल वैसा घोल तैयार करेंगे, और इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। उधर मैंने जो अपना इडली स्टैंड है उसमें पानी भी बॉयल करना रख दिया है, 1.5 गिलास पाके डालकर पानी। इस प्रकार का बैटर हमने तैयार कर देना लेना है अपनी इडली के लिए। देखो बिल्कुल लम्स फ्री होना चाहिए। ये तो हमारा बैटर तैयार हो गया ना जी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से प्याज के, तो हम करेंगे वो मसाले के लिए। तो इसमें थोड़ा, अगर आप ज़्यादा बारीक काट लें तो ज़्यादा बढ़िया है, जितना बारीक बारीक होगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़े से हम जो मसाला तैयार करेंगे उसमें मिक्स करेंगे। ये थोड़ा मेरे को मोटा लगा, लाल पीली और ग्रीन वाली शिमला मिर्च तैयार की है, हरी वाली वो मिला देंगे, ताकि हमारी कलरफुल इडलियाँ तैयार हों, देखने में भी अच्छा लगे, खाने में भी अच्छा लगे, पौष्टिकता भी बढ़ जाती है जब हम सब्जियां वगैरह किसी चीज़ में ऐड करते हैं। तो ये मटेरियल तो हमारा तैयार है जी। अब हम इसमें मिलाएंगे इनो। ये मैं 1 पाउच इनो का ऐड कर रही हूँ। इसमें 1 चम्मच ही रहता है, 1 से 1.25 चम्मच ही मेरा ख्याल है, देख भी लेते हैं हम कितना है, थोड़ा डाल के भी पता चल जाता है, अगर इनो फ्रेश हो तो कम पड़ता है।
ये मैंने पूरा ही पाउच डाल दिया है। तो पहले मेरे से एक गलती होगी, मैंने इसे ग्रीस करना चाहिए था, मेरे को इडली स्टैंड को चलाव कर लेते हैं क्योंकि जब हम इनो मिला देते हैं तो हमें फटाफट इसे डालना होता है। अब ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे अपनी ये सभी प्लेट्स को, ताकि जब हम इडलियाँ को रीमोल्ड करें, निकालें मोल्ड स्टैंड से, तो वो अच्छी तरह से आसानी से निकल आए। चिपके नहीं, इसलिए ग्रीस किया जाता है। इस प्रकार से हमने अपने जो इडली मोल्ड है उसको, उसमें मटेरियल जो तैयार किया है वो डाल देना है। तो मैं आपको डालकर बताती हूँ, इन्हें मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर लिया है। तो फिर हम इसे इडली मोल्ड जो बेक करने वाला सांचा है उसमें डालकर स्टीम में पकाएंगे। इस प्रकार से हमने ऊपर से डाल देनी है, ताकि हमारे कलरफुल इडलीज है वो तैयार हो जाएं। देखने में ही, खाने में भी पौष्टिकता बढ़ जाएगी जब हम किसी चीज़ में सब्जियां वगैरह ऐड करते हैं। तो लीजिए, उधर पानी भी हमारा गर्म हो रहा है। हमने अपनी इडलियों को स्टीम में पकने के लिए रख दिया है, और अब मैं इसका ढक्कन लगा रही हूँ। अच्छी तरह से ढक करना है ढक्कन को, ताकि स्टीम ना निकलने पाए। अब मैं मीडियम आंच पे इसे 10 से 12 मिनट तक बेक स्टीम करूँगी। तो इधर इतने में हम क्या करेंगे, अपना जो मसाला इडली के लिए है वो तैयार कर लेंगे। रह हमने लिया गार्लिक, जिसे बोलते हैं लहसुन, इसे मैं क्रश कर लूँगी, क्योंकि पाव भाजी में हमेशा जो मसाला पाव भाजी हम खाते हैं उसमें गार्लिक का फ्लेवर आता है, और इडली को हमने उसी फ्लेवर में प्रिपेयर करना है, इसलिए मैं इसे गार्लिक का भी थोड़ा फ्लेवर दूंगी, ताकि इडलियाँ खाएँ तो टेस्ट आए पाव भाजी का। उस सोचे कि इडलियाँ भी है लगती और पाव भाजी भी लग रही है। तो इधर मैंने लिया है बटर, थोड़ा मैं डाल जी मैं ले रही हूँ थोड़ा सा बटर। बटर डालने में हमने कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि जितना बटरी बनाएंगे उतनी इडली टेस्टी लगेगी। तो पहले मैं थोड़ा डालूंगी, तो अब बटर हमारा मेल्ट हो गया इसका, नहीं तो घी निकल जाएगा। इससे पहले हम इसमें डाल देंगे गार्लिक क्रस्ट किया हुआ, क्रस्ट गार्लिक डाल लेंगे, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है गार्लिक जब जैसे ही मैंने ऐड किया। अब भी कटे हुए प्याज, प्याज है इसे हमने मतलब कि जलाना नहीं है, थोड़ा पिंक होने तक ही, ट्रांसलूजेंट होने तक ही पकाना है, तो पिंकिश होने तक ही। इधर हमारी इडली भी स्टीम हो रही है, तो ये प्याज ट्रांसलूजेंट हो गई है। इसके साथ ही हम मिला देंगे टमाटर भी कटे हुए, तो देखिए इसे भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, ज़्यादा नहीं गलाएंगे, नहीं तो सारा जो टेस्ट है वो बेकार हो जाएगा। बस थोड़ा कुक करना है, फिर सॉफ्ट करना है। जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, देखिए बिल्कुल मैशी हो गए हैं ना। तो अब इसमें हमने शिमला मिर्च मिलानी है, तीनों कलर की मैंने शिमला मिर्च काट कर रखी थी वो हम ऐड कर दी है। परंतु ध्यान रखना है जो शिमला मिर्च है अगर वो ज़्यादा पक जाती है तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है, इसे हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही मैं मिला दूंगी पाव भाजी मसाला, ये मैंने पौना चम्मच लिया है, आप पौना चम्मच से एक चम्मच तक ले सकते हैं अपनी इडलियों के मुताबिक, आपकी कितनी इडलियां हैं। बस अभी सभी मसालों को हम पकने देंगे ताकि फ्लेवर इसमें ऐड हो जाए, तो इतने में हमारी इडलियां भी तैयार हो जाएगी। मसाला हमारा रेडी हो गया है, हम अपना जितना मसाला है उसके अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करेंगे। जैसे मैंने 1/4 टीस्पून इसमें ऐड किया है, तो बस गैस का बंद कर देंगे, नहीं तो जो हमारी शिमला मिर्च है वो सोगी हो जाएगी, टेस्ट लेस हो जाएगी। बस ये रेडी है, इधर बस इडली का स्टीम निकाल कर चेक करना है कि ये कुक हो गई है या नहीं।
तो बस इतना स्टीम हमारी खत्म हो गई है। तो अब हम इडलियों को निकाल कर चेक करते हैं, थोड़ी गर्म है, देखते हैं किस प्रकार से निकालें। बहुत गर्म लग रहा है हाथ को, तो चलो अब निकाल कर चेक करते हैं कि तैयार हुई है या नहीं। तैयार तो हो गई होगी, इसकी शेप ही बता रही है, बिल्कुल तैयार है, सूखा निकल रहा है। आप किसी भी चीज़ से चेक कर सकते हैं, मेरे को तो वैसे ही पता चल गया था। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है बनाते बनाते, जो बीच में इसके धस गया ढक्कन, तो कोई बात नहीं, इसकी शेप ख़राब होगी एक की। तो आपको बड़े आराम से बनानी है, बहुत अच्छी इडलियाँ स्टीम हुई हैं। तो देखिए बहुत अच्छी इडलियाँ स्टीम हुई है। अब हमने इसे देना है पाव भाजी फ्लेवर का टच, तो वो कैसे देना मैं आपको बता रही हूँ। ये मसाला तो हमारा तैयार है, पहले हम इडलियों को डीमोल्ड कर लेते हैं, फिर देंगे इसे पाव भाजी मसाले वाला टच। इतनी टेस्टी बनेगी कि पूछिए मत, घर में सभी पूछेंगे कि कैसे बनाई है, इस किसी गेस्ट को देंगे वो भी पूछेगा कि बहुत अच्छी बनी है, कितनी स्पॉन्जी है, जाली कितनी बनी है, तो पता चल जाता है कि इडली अच्छी स्टीम हुई है, बहुत जालीदार बनी है, बहुत अच्छी आसानी से डीमोल्ड हो रही हैं। देखिए हमारी पूरी बिल्कुल फुल प्लेट भर गई है, तो बहुत ही अच्छी, मतलब लुक भी अच्छी है तो और खाने में भी अच्छी बनेगी। अब मैं इसे मसाला इडली का रूप दे जा रही हूँ, देखिए किस प्रकार से। थोड़ा बटर रखेंगे, तवा ज़्यादा ही जरूरत से ज़्यादा ही गर्म हो गया है, मैं उधर लग गई, तो बटर हमारा रेडी हो गया है, गर्म है, थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था ना इसलिए वजह से वो थोड़ी लाल होगी, कोई बात नहीं है, बटर ज़्यादा डालना है, अच्छी तरह सीख जाए। बटर का फ्लेयर इसलिए अच्छा आएगा, मेरा तो होममेड बटर है। तो अब इसे जो हमारी बटर में सेक लिए हुए इसी प्लेट में मैं रख लेती हूँ, तो इसके ऊपर मैं बाद में मसाला लगाऊंगी। देखिए मैंने बटर में पूरी तरह से, जैसे हम पास सेकते हैं कंजूसी बिना कंजूसी के, उसी प्रकार से इडलियों को भी। जब मैंने पहले बैच की इडलियाँ फ्राई की तो तवा ज़्यादा गर्म था, तो थोड़ी सी रेड सी होगी, आपने बाइट बाइट ही रखनी है क्योंकि किसी भी चीज़ को जलाना नहीं होता। तो बहुत ही टेस्टी बनेगी ये इडलियाँ, सभी मैंने बटर में कर ली हैं, मतलब सेक ली हैं इडलियाँ। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी, हमारी पाव भाजी फ्लेवर में बटरी इडली बिल्कुल बनकर रेडी है। देखिए ये रेडी हो गया ना जी। अब इसके ऊपर जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था वो डालना है, एमडीएच का पाव भाजी मसाला है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंग, ज्यादा नहीं करना, वो तो मसाले का ही टेस्ट आएगा। तो ले लीजिए, इडली बनकर बिल्कुल रेडी है, तो नजारा लीजिए पाव भाजी इडली का, पाव भाजी टेस्ट में इडली का, बटर के साथ इतनी टेस्टी बनेगी मेरे कहने पर। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि मेरी बनाई हुई इडली आपको कैसी लगी। तो मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है कि आपको बढ़िया से बढ़िया रेसिपी दे सकूं, तो एक लाइक तो जरूर ही कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो को देखने के लिए कीमती समय दिया।